कसौली में हुए गोलीकांड को लेकर आज जिला प्रशासन से उपायुक्त सोलन विनोद कुमार और एसपी सोलन मोहित चावला को मीडिया के समक्ष आकर अपनी गलती कबूल करनी पड़ी और कहा कि कसौली की घटना काफ़ी गंभीर है। इस घटना में किसकी चूक हुई है इसके बारे में जांच कमेटी बिठा दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि जो अवैध निर्माण गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है उसकी अनुपालना करते हुए होटलों पर आज भी कार्रवाई जारी रखी गई है। इस मौके पर उपायुक्त सोलन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होगा। इस मौके पर उपायुक्त सोलन ने आरोपी का स्केच भी जारी किया है और 1,00,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की है। उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। उन्होंने कहा कि कसौली में होटलों पर कार्रवाई संयुक्त रूप से की जा रही थी, अब इस चूक का कौन सा विभाग जिम्मेवार है इसके लिए एक जांच कमेटी बिठा दी गई है और जो भी इस चूक का जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपी को तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रही है और आशा है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, उसके लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार करेंगे, जिसकी रिपोर्ट वो 15 दिनों के अंदर जारी करेंगे। प्रदेश सरकार ने डिवीजन शिमला को इसका जांच का जिम्मा सौंपा है, तो जैसे ही जांच में तथ्य सामने आएंगे पड़ेगा एक्शन लेंगे। पुलिस अथॉरिटीज पे पूरा काम कर रही हैं, जैसे ही उम्मीद करते हैं शॉर्टली कल्प्रिट जो है वो पुलिस के शिकंजे में होगा। जैसे इतनी बड़ी घटना होगी सर, उसके जो जो भी इसकी जिम्मेवारी है वो किसकी और उनकी क्या कार्रवाई रहेगी? अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन के लिए पूरा टीम्स गठित करी थी, पुलिस अथॉरिटीज प्रशासन मिनिस्ट्री ये सारे लोग थे बीच में, अब देखते चूक कहाँ पे हुई है सारे। अब घटना हुई तो चूक तो किस स्तर पे हुई है, अब जिम्मेदारी तो टोटली हम प्रशासन पे आती है उसकी जिम्मेदारी। क्यूज को ढूंढने के तमाम प्रयास चल रहे हैं, एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है जिसको एडिशनल एसपी हेड कर रहे हैं, इसमें टेक्निकल टीम और 4 टीमें काम कर रही हैं, हर तरफ प्रयास है इसमें कि उसको नैप किया जाए और फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। 1,00,000 का इनाम इन पर घोषित कर दिया गया है, जो भी हमें कोई टिप ऑफ देगा या लीड के लिए हमारे को मददगार होगा उसको हम 1,00,000 रुपये इनाम देंगे। जहाँ तक प्रशासनिक या पुलिस की कार्रवाई में अगर जैसे कि क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं उसके लिए एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसको डिविजन कमिश्नर साहब इंक्वायरी हेड कर रहे हैं, उसकी 15 दिन के अंदर उनको सरकार ने बोला कि रिपोर्ट सबमिट करें। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।